हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ एक वायरल फूड रेसिपी जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे एंड इवन शॉर्ट्स पे वायरल है। वो रेसिपी हम सबको लगभग पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को, वो है जो ब्रेड मिल्क रेसिपी। एंड हम सब बचपन में ही ब्रेड मिल्क तो नॉर्मली सब लोग खाते हैं, इवन मैं अपने किड्स को भी देती हूँ। तो बट वो रेसिपी थोड़ा डिफरेंट है, तो लेट्स ट्राई आउट एंड क्यों वायरल है वो भी देखते हैं, कितना टेस्ट आता है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है बनाने के लिए वो भी देखते हैं। बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो विदाउट मच ब्लाबरिंग लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैं यहाँ पे 3 ब्रेड्स ले रही हूँ बिकॉज ब्रेड्स थोड़े पतले पतले हैं, 2 लूँगी तो वो मैं भी टूट सकते हैं, तो इसलिए मैंने सेफर साइड पे जाके 3 ब्रेड्स लिया है। ब्रेड्स के साइड ब्राउन वाले पार्ट को मेरे को कट कर लेना है, आप उसको रख भी सकते हो बट लुक वाइज अच्छे आएंगे, अनफिनिशिंग अच्छी आएगी, तो ब्राउन वाला पार्ट कट कर लेनी है। देन पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करनी है, मैंने यहाँ पे घी ऐड करा है, वो उन्होंने बटर ऐड करा था। देन बटर में एक ब्रेड देके पहले उसको थोड़ा सा सेक लेना है, उसके ऊपर घी लगा के देन दूसरे ब्रेड देना है। ऐसे करके पूरे 3 ब्रेड को अच्छे से रखना है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेनी है फर्स्ट विथ घी। देन जब वो ब्राउनिश कलर उसके ऊपर आ जाएगा, देन हमको 1/2 कप मिल्क लेके उसमें मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करनी है। एंड रिमेंबर, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, पूरे डाल देंगे तो पूरी ख़राब हो जाएगा। थोड़ा आधा डालने के बाद देन हमको मेन चीज़ है कि उसको पलट के दूसरी तरफ भी डालनी है, जो कि एक ट्रिकी पार्ट था बट मैंने कर लिया। तो जब मिल्क पूरी एब्जॉर्ब होके सूखा सूखा सा हो जाएगा उसी टाइम पे उस गैस को बंद करनी है। एंड ये पूरा 2-3 मिनट का प्रोसेस है। देन उसको मेन टास्क है उसको प्लेट में लाने का, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था कुछ 15 अटेम्प्ट के बाद वो मेरे प्लेट में आ गया। देन उसके ऊपर मैंने डाला हनी, जैसे हम पैनकेक के ऊपर शुगर सिरप डालते हैं ऐसे मैंने यहाँ पे हनी डाला है। देन इट्स डन, नाउ टाइम फॉर टेस्ट। So bread recipe is here and let's time to test now. Very soft. Not bad, not bad. And because of the honey, उसमें सही amount में sweetness भी है, तो इसको रखते हैं side में, मैं बाद में खा लूँगी। So that's the recipe and I think it was pretty good. बट ऐसे नहीं कि मैं बार बार इसको ट्राई करूँगी बिकॉज वो इतना ज़्यादा बर्तन हो जाएगा ना करने के बाद, तो इसको 1 टाइम में 2 टाइम्स ट्राई करने के लिए सही है। इतना कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो वायरल, बट टेस्ट वाइज है लाइक 4.5, 4.3, आई कैन रेट 4.3 out of 5। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट आई हैव 3-4 मोर ऐसी वायरल रेसिपीज लाइंड अप जो मैं सेव करके रखी हूँ। सो दैट्स इट, आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों की न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द।